ओ सनम, तुम अभी घर नहीं गई? काफी देर हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं जा पाई। आपके उस बांबी ने जितने भी चाय पी है ना, उसके ग्लासेस धोने थे मुझे। मुझे तो लगता है कि यहाँ से जाने के बाद वो सीधा कॉफी शॉप गई होगी। तुम्हें शायद वो पसंद नहीं है, ऐसा लगता है। मुझे नहीं, काफी लवेबल है। आप उसे इतना चाहते हैं तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही लगे रहते हैं। ये क्या कर रही हो? बस छोटा सा बदला ले रही हूँ। हमारे पास अभी काफी वक्त है, बांबी के बारे में बताइए। सनम सच कहूँ तो मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? गांव से बस मेरी पुरानी दोस्त और... ओह ये सब मैं जानती हूँ, पुरानी दोस्त, कैंपस, कारवान, गुफाएं और न जाने क्या क्या। हाँ लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो रही हो तुम? हाँ इनफैक्ट मुझे अपसेट होना चाहिए कि तुम मुझे ऐसा लड़का समझती कि मैं ये सब करूँगा, बहुत गलत है। नहीं आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ऐसे ही शांत हैंडसम बने रहो, लड़कियाँ तो आपके पीछे मैग्नेट की तरह आएंगी। सनम सनम रुको, मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? मुझे कॉन्सर्ट में जाना है यार। हाँ कॉन्सर्ट, जाइए जाइए, छोड़ना मत। हाँ जाओ और वहाँ जाकर फ्लर्ट करो। फ्लर्ट करूँ? क्या क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? इसका मतलब ये है कि याद है आपने क्या कहा था, मैंने पहली बार किसी लड़की से अपने दिल की बात की है और वो झूठ था ना? सनम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ प्लीज। ये सच नहीं है। नहीं है, ये सच नहीं है। वो तुम ही थी ना जिसने एमरे को उस अम्यूजमेंट पार्क में बताया था कि उस आदमी को छोड़ दोगी। बताओ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करो। टॉपिक चेंज मत कीजिए आप। चेंज करूंगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बताओ मुझे, आपकी सारी दोस्त आपको मुझसे ज्यादा जानती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम मेरी पीठ पीछे साजिश रचती रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता मुझे जानने का। ये सब मैंने नहीं किया था, आपके भाई ने किया था और आपने मुझे कभी एक्सप्लेन करने नहीं दिया। आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपको सच बताऊं? हाँ मैं तुम्हारी आंखों में आंखें मिला नहीं सकता था सनम, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ देखता था तो मैं अपना आपा खो बैठता था। मुझे डर लगा रहता था कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इसे क्या हुआ? ओ गॉड, क्या क्या हुआ? वो रुक गई बस, और कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम फंस गए? हाँ बस फंस गए। एलिवेटर बंद पड़ गया। हाँ बंद पड़ गया, मैं क्या करूँ? डरने वाली बात है क्या, बताइए ना मिस्टर जॉन। हाँ आई मीन डर लगना तो चाहिए। देखो कोई है क्या बाहर? क्या कर रही हो सनम, कितना बकवास सवाल है क्या? मेरा सवाल बकवास क्यों है? हाँ कोई बाहर कैसे होगा, और अगर कोई हुआ भी तो वो कैसे सुनेगा तुम्हारी आवाज़? क्या लगता है तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? के साथ डील करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या कोई बाहर है? हमारी मदद करो, कर रही कोई है बाहर? प्लीज चुप रहोगी तुम? जरा कोई है बाहर? बटन दबाइए, बटन दबाइए ना प्लीज। चुप रहो प्लीज, शांत रहो। क्या कर रही हो यार, दिमाग खराब कर दिया तुमने। अरे क्या सनम यार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लेकिन तुम्हारा ये बकवास नेटवर्क भी ना, मुझे पूछना था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ओ उफ जे जे उफ। लला कैसी हो? तुम्हारे यहाँ लैम चॉप्स है क्या? मॉम को चाहिए थे। हाँ हाँ है ना, बैठो मैं तुम्हें देता हूँ। अच्छा बोलो चाय पियोगी क्या? नहीं नहीं बस मुझे लैम दे दो, मुझे घर जाना है। ओके तुम ठीक तो हो ना लैला? वो सनीम से मेरा झगड़ा हुआ है। क्योंकि तुमने वो डॉक्यूमेंट छुपाए थे इसलिए? सनीम ने बताया क्या तुम्हें? नहीं मैंने गेस किया। कैसे, तुमने कैसे गेस किया? बात बहुत ही साफ है, एक दिन मैंने तुम्हें एमरे के साथ देखा था और मैं जानता था कि फाइल मिसिंग है इसलिए मैंने गेस किया, वरना बगैर किसी रीजन के एमरे यहाँ क्यों आता? मेरा मतलब है उसके फायदे के लिए वो यहाँ आया था। खैर जाने दो। उस्मान जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लैला तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी बहन से झूठ बोल रही हो ना और उसके साथ साजिश कर रही हो ना? नहीं तो? तुम ऐसी लड़की नहीं हो लैला, तुम एक अच्छी लड़की हो और हमेशा ऐसे ही रहना। देखो किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उस प्यार के खातिर अंधी मत बनो। ओह आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब तो नहीं? ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या बात है? मीट को डीप फ्रीज करने आई हो क्या? सी यू लेटर। अरे तो यहाँ से जा रही है लैला, तुम ये भूल गई
उस्मान, मैं पैसे देना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिस्टर निहाद से ले लूंगा। ओके, सी यू। क्या कर रहे हो उस्मान? मैं बहुत थक गया हूँ, इतना थक गया हूँ कि बता नहीं सकता। तुम कैसे हो? अपने दोस्त को कुछ चाय ठंडा पूछोगे नहीं? हाँ, अच्छा ऐसी बात है, चाय ठंडा मांगा तो बहरे हो गए। मैं काम में बिजी हूँ मुजफ्फर। काम में बिजी हूँ मतलब क्या हुआ? मैं भी दिन भर काम करता हूँ। टाइम पे काम करो, टाइम पे पैकअप करो, ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना थकान हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तुम। छोड़ो ना यार, ये सब बंद करो, चलो ना कहीं चलते हैं, आराम करते हैं। या फिर एक काम करो, मुझे मीट बॉल्स दे दो, मैं घर जाता हूँ उसे पकाता हूँ, फिर दोनों भाई टांग के ऊपर टांग रखे उसे खाएंगे। मुझो एक बात सुनो, तुम हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकते, जानते हो ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपने भाई से कोई ऐसे बात करता है क्या? मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, बताओ मुझे। मुजफ्फर, हर घर के रूल्स होते हैं, तुम्हें अपनी मॉम से सुलह करनी होगी और वहां जाकर रहना होगा। क्या बात कर रहे हो यार, तुम भी अब मेरे साथ ऐसा करोगे? किसी ने सही कहा है, ईमानदार रहना और दोस्ती निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी मेरी मॉम की तरह ही निकले। मुझो 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 मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है मिस्टर जान, मैं सांस नहीं ले पा रही। फिक्र मत करो सनम, अगर एलिवेटर बंद भी हो गया तो वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहता, तो डरो मत तुम। हाँ उसकी गारंटी है, लेकिन एलिवेटर की नहीं। अगर हम नॉर्मल लोगों की तरह इस लिफ्ट से बाहर निकल गए होते ना तो ये सारी प्रॉब्लम हुई नहीं होती, समझी? लेकिन तुम्हारी तो जिद करने की इतनी आदत है क्या? मैं पूरी तरह से नॉर्मल हूँ, लेकिन आप नॉर्मल नहीं है, आपको कभी किसी की बात सुननी ही नहीं होती। सर एक मिनट शांत रहो प्लीज, थोड़ी देर शांत रहो। हाँ अभी फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मेरा फोन भी डेड हो गया है। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा। नहीं, हम शायद उस नीड के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। आपने वो मूवी देखी है ना, एजेंट ऐसे टेररिस्ट पर गोलियां चलाते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और फिर डेड बॉडी ऐसे एलिवेटर के ऊपर फेंक देते हैं, और जब भी दुश्मन आता है तो डेड बॉडी उन पर गिरती है। नहीं मैंने नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये लीड खुल गई है तो पता नहीं, शायद खुलता हो, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? अगर तुम खोल सकती हो तो खोल लो। तुम कैसे खोल सकती हो? और अगर खोल भी दिया तो क्या कर लोगी तुम सनम? तुमने बोलने के लिए तो बोल दिया है सनम, तुम एक्टिंग तो बेवकूफों की तरह कर रही हो, एकदम बेवकूफ। सनम सुनो ना, अब तुम कैसे बताओगी उसे? हाँ हमें उस लीड को खोलना पड़ेगा, अगर आप मुझे उठाएंगे तो मैं लीड खोल दूंगी। अच्छा इस लीड से तुम काफी ऑब्सेस लग रही हो, है ना? ओके मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठा लूंगा, उसके बाद दो जवाब दो उसे, अब चुप क्यों हो? Okay, मैं नहीं मुझे गुदगुदी हो रही है यहाँ पे। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ ना। मिस्टर जान, हुआ? मिस्टर जान, मुझे गुदगुदी हो रही है। अरे, नहीं, मैं उठा रहा हूँ ना तुम्हें। अरे मिस्टर जान, मुझे रुको, अरे आ जाओ, चलो नहीं, आ जाओ। मिस्टर जान, हाँ ठीक है मैं नहीं टच करूंगा, वरना हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कंधों पर उठाता हूँ, फिर तुम खोल दो लीड। ठीक है वैसा ही करते हैं। चलो अब जल्दी से आ जाओ, रेडी? ठीक है आ जाओ, चलो आराम से, चलो आ जाओ। हाँ मैंने पकड़ रखा, अब जंप करो, पहले राइट लेग। मिस्टर जान आराम से। हाँ ठीक है तुम चढ़ो। मिस्टर जान क्या आराम से उठाना। हाँ ठीक है उठाइए आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा संभल के रहना तुम भी। नहीं मिल पा रहा, एक सेकंड। अच्छा क्या आप एक सेकंड स्टेबल रहेंगे प्लीज? हाँ, मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा तो हिलूंगा ना मैं। मिस्टर जान क्या? अरे मैंने खोल दिया। ठीक है आराम से, एक मिनट, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ तो मेरे ऊपर मत गिराना। लाओ मुझे तो, मैं जरा रुको तो, मुझे दो ना तुम। क्या अब देखो रास्ता है? देखती हूँ, लेकिन आप जरा भी हिलना मत, ओके? हाँ मैं ऐसे ही हूँ। क्या यहाँ से एग्जिट हो सकती है? थोड़ा टर्न कीजिए मिस्टर जान, थोड़ा टर्न कीजिए, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा यहाँ से। लीड खोल के कुछ फायदा हुआ सनम? तुम चुप रहोगी जरा? सनम क्या बकवास कर रही हो, खुद से बात करना शुरू कर दिया क्या, पागल हो क्या तुम? नहीं आप जरा रुकेंगे, थोड़ा स्टेबल रहिए। हाँ अरे सनम इतना तो बताओ, तुम्हें कुछ वहाँ दिख रहा है या नहीं? ठीक है अब दूसरी तरफ मुड़िए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़िए। लेफ्ट मुड़ो। हाँ लेफ्ट।
लेफ्ट टर्न करना है। मिस्टर जॉन जरा स्टेबल खड़े रहिए। मैं स्टेबल ही हूँ यार, थोड़ा सपोर्ट तो लूंगा, मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा। जान, तुमने ऐसा क्यों किया? बेहोश हो गए? ओह गॉड, जीजी होश में आओ जीजी। उफ, उफ, ओ, जीजी, जीजी उठो ना, उठो। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मिस्टर एम्ब्रे, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? लैला, तुमने मुझसे वादा किया था, लेकिन तुमने अभी तक मेरे भाई से बात नहीं की। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, अब तक नहीं बताया मैंने। लेकिन क्यों लैला? मुझे तुम पर भरोसा था, लगा कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, लेकिन नहीं, तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने अपना वादा तोड़ दिया लैला। मिस्टर एम्ब्रे, मुझे माफ करना, मेरे पास और कोई वजह नहीं थी। क्यों ऐसा किया? क्यों तुमने काम नहीं किया लैला? लैला, कुछ प्रॉब्लम है क्या? रहमी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर एम्ब्रे, मेरे बॉस है, फिक्र मत करिए, मैं इन्हें जानती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, ख्याल रखना। मिस्टर एम्ब्रे, अगर आप कहें तो हम कहीं चलकर बात करते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं ये सामान रख कर आती हूँ। जी, प्लीज होश में आओ ना, अपनी आंखें खोलो ना और मेरी तरफ देखो ना। जी, तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया है। अच्छा देखो, मेरी मोहब्बत की वजह से तुम बेहोश हो गए। लेकिन मैंने तो उन लोगों को वॉक पर जाते हुए देखा था। अरे नहीं, फिर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया और उन्हें मेरी जगह में बातें कर रहे हो क्या? तुम ठीक हो ना? अपनी आंखें खोलो, मैं अयान हूँ, देखो। और फिर उस औरत ने उन्हें अंधे में बंद कर दिया। अयान? अरे ऊपर वाले का शुक्र है। अयान, अपनी आंखें बंद करो आंखें। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो। आंखें बंद करो ना प्लीज, आंखें बंद करो। मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूं? मैंने कहा बंद करो। क्या मुसीबत है, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ, बढ़िया एकदम। हाँ बस हो गया, अब आंखें खोलो। मैं कितना डर गई थी, मुझे नहीं लगा था मेरे सरप्राइज से तुम बेहोश हो जाओगे। जीजी, तुम्हारे सरप्राइज की वजह से नहीं, तुमने दरवाजे के पीछे छुपकर भौं किया, इसलिए मुझे पैनिक अटैक आ गया, समझ में आ रहा है ना एहान? जीजी, तुमने जो कुछ छुपाया है ना, वो सब मैंने देख लिया। क्या देखा तुमने? वो मेरी तस्वीर मैंने तुम्हारे घर की हर पिलो पर देखी, टी शर्ट पर, मैंने देखा कि मग पर भी मेरी तस्वीर थी। वो सब तो माया है और कुछ नहीं, उसका इससे क्या लेना देना, कुछ और बातें करते हैं। हाँ पता है, मैं तुम्हारे लिए ये केक लाई हूँ। हाँ वहाँ पर कोई हार्ट शेप पिज्जा नहीं था, इसलिए मैं केक लेकर आई हूँ। ये हार्ट शेप का है? गिरने से पहले तो हार्ट ही था, पर अब ऐसा हो गया। अब तो ये बिल्कुल तिल्ली जैसा लग रहा है। ब्लड सेल्स की मदद होती है इससे। अच्छा आप थोड़ा केक खाओ, मैं देती हूँ तुम्हें, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, रुको। कुछ फेंक रहा है।
ओके ओके अरे रिमोट कंट्रोल गिर गया, कोई बात नहीं। इस बॉक्स की वजह से कितनी गड़बड़ हो गई है, अब मैं क्या करूंगा। हाँ देख लिया ना, हाँ मैंने कहा था ना, पर तुम मेरी बात अगर सुनोगी तो कुछ होगा ना। तुम्हें अमेरिकन मूवीज में एक्शन हीरोइन बनने से फुर्सत मिले तो तुम करोगी ना कुछ सही। ये देखो मैं तुम्हें हकीकत दिखाता हूँ। मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मूवीज में तो हाँ, मूवीज 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 कब से एक ही बात रटे जा रही है, उससे आगे भी बढ़ो। पुरानी मूवीज में होती थी वैसी पुरानी लिफ्ट्स। ओके तो आज पूरी रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी, कल सुबह जब लोग काम पर रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। वो काम करना कब शुरू करेंगे? मुझे नहीं पता सनम। सच में? पर तब तक हम क्या करेंगे? अच्छा गेम खेल लेते हैं। हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें सो जाना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है ना? हमें सोना चाहिए? मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ अब। अरे सो गए क्या? उठो ना। सुनिए ना, हम यहाँ सो नहीं सकते। चलिए ना बातें करते हैं। हाँ बातें करते हैं, जैसे कि बचपन की बातें। मुझे मेरे बचपन में ऐसा लगता था कि मेरे बेड के नीचे टाइगर छुपा है, और इसीलिए मैं हमेशा डर जाती थी और मेरे बिस्तर के ऊपर कूद जाती थी, और मेरे पैर उन्हें तो मैं कभी नीचे झूलने नहीं देती थी टाइगर की वजह से। आपके पास है क्या कोई ऐसी यार? हाँ मेरी भी कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। एक बार मैं गार्डन के वॉल पर चढ़ गया था अपनी बाइक लेकर, और वो वॉल करीब 2 फीट ऊंची थी। क्या, लेकिन क्यों? हम दोस्तों ने पॉप सोडा की शर्त लगाई थी, उन दिनों हमारे पास वैसे भी कुछ और करने को होता नहीं था। तो फिर जीते या नहीं? हाँ वो तो मैं जीता, पर डैड ने मुझे उसके बाद सजा दी। उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया और ना मेरे दोस्तों से मिलने दिया ना कुछ और करने दिया। मुझे लगता है कि उस सजा का कोई फायदा नहीं हुआ। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मुझे जाना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जीजी? ये तुम्हारा ही तो घर है क्या, तुम भी? अरे नहीं नहीं मेरा नहीं है, मैंने रेंट पर लिया है, यहाँ रेंट काफी कम है ना इसलिए, और कुछ नहीं। हाँ। जीजी मैं तुम्हारी प्यार वाली फोबिया को समझती हूँ, मैं तुम्हारी सारी फीलिंग्स को समझती हूँ। ओके पर एक तरीके से मैं भी वैसी हूँ, और हमें इसलिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। देखो आयहान समझने की कोशिश करो, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं प्यार करूँगा तो। अच्छा इधर आओ, तुम्हारे मुंह पे केक लगा है, मैंने जो कहा उस बारे में सोचो। आयहान ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे चेहरे पर चॉकलेट लगी है, पहले वो तो पोछो। रुको यहाँ आओ। तुम पोछो ना। मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ दोस्त रहे, मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? ना रिलेशनशिप ना प्यार, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना रिलेशनशिप प्यार कुछ भी नहीं चाहिए, इसमें पढ़ना ही नहीं है मुझे। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यू नो व्हाट जीजी, पहले अच्छे दोस्त बनते हैं, अगर हम फ्रेंड्स बन गए तो हमारे बीच अलग कंफर्ट होगा, फिर देखना हम दोनों को कभी कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ना कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, ना किसी को गाइड करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, एकदम सेंसिबल है। ओके आई एक्सेप्ट, मुझे पसंद है। गिव मी 5। बस हो गया, ठीक है तो मैं चलता हूँ। नहीं मैं चलती हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सीरियसली ले लिया। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ता हूँ। हम बाद में बात करेंगे। रुको मैं करता हूँ, बाद में मिलती हूँ। यस यस हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है।
तो अगर सनेम को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले होते तो तुम भाई को जाकर नहीं बताती? ऑफ कोर्स नहीं बताती मिस एम्ब्रे, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पर मेरी बहन का दिल दुखाने की मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। सही है, तुमने जो किया वो सही किया, तुम्हारी बहन के लिए किया। मैंने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, मुझ पर बिलीव कीजिए मिस्टर एम्ब्रे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिसकी वजह से आप हर्ट हो। आई नो आप फिलहाल बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और आप ऐसे आदमी नहीं थे मिस्टर एम्ब्रे। आई एम रियली वेरी सॉरी, यू डिडंट डिजर्व दीस थिंग्स। ये लो इससे अपने आंसू पोंछो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया मैंने तुम्हें। प्लीज अपने भाई से चीजें छुपाना बंद कीजिए, उन्हें सब कुछ सच सच बता दीजिए। आई एम श्योर वो समझेंगे, मिस्टर जॉन अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ। पर मुझे ना उनका सबसे पहला एल्बम बहुत पसंद था। मुझे उनका वो अकूस्टिक एल्बम बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पर रहता है। मेरे पास शायद उसकी सीडी होगी। ओ शिट, मैंने उसे घुमा दिया। मेरे पास अभी भी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ओ नहीं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ? सनम, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। किस लिए? मुझे सब पता चल गया। क्या पता चला? उस बिजनेस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तुम्हें लगा वो डॉक्यूमेंट्स उस रेड फाइल में है, जब तुमने मुझे वो फाइल दी तब उसमें कुछ भी नहीं था, और वो बर्थडे पार्टी उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए। हाँ, मुझे पता, मुझे लगा था वो बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की है। मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत एक्साइटेड थी, लगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा दिमाग ना कह रहा था, पर दिल हाँ कह रहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, पर आप। मैं जानता हूँ, I'm sorry कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मेरी गलती है। रो मत प्लीज। हम फिर से इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ओके? हम सब यहीं बुला देंगे। मैं तुम्हें और अपसेट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं मैं हर पल गॉड से क्या मांगती हूँ, क्या आपके साथ एक नए सिरे से जिंदगी बिताऊं? क्या ये कभी पॉसिबल होगा जान? आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तुम भी मेरे लिए प्रेशियस हो। सनम, क्या हुआ? मैं दोबारा तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या? पर आपने अभी। हाँ, जानता हूं तुम मेरे लिए वैल्यूएबल हो, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है सनम, एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। हम नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, पर एज फ्रेंड्स सनम, मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। एज लवर्स मैं वो ट्रस्ट खो चुका हूं सनम, सॉरी, पर मैं ये घाव नहीं मिटा सकता।
बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बट एज फ्रेंड्स मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आपके बिना दिन कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानती हूं। आपसे बात ना करने का दर्द मैंने झेला है। आपके साथ वो मोमेंट बिताना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। कौन सा, ये लिफ्ट वाला मोमेंट? ओह नहीं, मेरा मतलब है ऐसे क्लोजली बात करना। एलिवेटर सही वक्त पर खराब हुआ ना, मुझे ऐसे ही आपके साथ रहना है। रोज आपको अपनी आंखों के सामने देखना है। ओके सो सनम, आर वी फ्रेंड्स नाउ? हाँ हम हैं। क्या हुआ? ओके लिफ्ट स्टार्ट हो गई। हमारी जान बच गई? हाँ शायद। मिस्टर जान, आप एलिवेटर में फंसे थे? जी हाँ, हम दोनों लेट तक काम कर रहे थे। हमें लगा हमें पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी। मैं बाहर गया था इसलिए आपको सुन नहीं पाया। अच्छा, फिर जब वो अलार्म लाइट देखी तब पता चला। गुड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी मिस्टर जान। नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। एक काम करो, सर्विस वाले को बुलाकर पूरी लिफ्ट चेक करवा लो, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ऑफ कोर्स मिस्टर जान, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओह नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले डर गई थी लेकिन फिर मैं नॉर्मल भी तो हो गई। अच्छा। थी हमें सिर्फ सिस्टम के लीड को चेक करना है, उसके बाद प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है मिस्टर जान। अच्छा हाँ, सही कहा, इसका कोई ना कोई जुगाड़ तो निकालना पड़ेगा। मिस्टर जान, आपको जाना नहीं है? जाना है सनम, आई थिंक तुम्हें लिफ्ट घर जैसा लगने लगा था। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो फोबिया है, मैं डर गई थी। ओह, दो घंटे से हम वहां बंद थे और ये अयान ये भी फोन नहीं उठा रही, अब मैं क्या करूंगी? हाँ तो वो सो गई होगी, हमेशा अवेलेबल थोड़ी होगी। नहीं पर अब तो उसने मुझे प्रॉब्लम में डाल दिया, मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, इज दैट फाइन? तुम्हारे पास चाबी तो है ना? हाँ, पर मैंने मॉम डैड से कहा था कि मैं अयान के यहाँ रहूंगी, अगर मॉम को मुझ पर शक हो गया तो फिर से वो कहेंगे कि तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। किसके पैर पर कुल्हाड़ी मार रही? वो सब जान लीजिए मिस्टर जान, आप बताइए मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़ी ना एलिवेटर तोड़ा था या गलत बटन दबाया था। आप यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मुझे होटल ले चलिए। नहीं वो मेरा मतलब है ऑफिस के पास ही एक होटल है ना, आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, मैं आज वहीं सो जाऊंगी। मैं तुम्हें होटल ले चलूं? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? हमारे ऑफिस के पास ही एक होटल है, मैं आज वहाँ जाकर वहाँ सो जाऊंगी और कल वापस घर चली जाऊंगी सुबह, तो मॉम को शक नहीं होगा, ठीक है? नहीं तुम मेरे घर आ रही हो, दैट्स फाइनल। घर पे नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जा सकती हूँ? नहीं कर सकता, सिस्टम है उसका। मैं नहीं आ सकती आपके घर। नहीं आ सकती? नहीं नहीं, वो मुझे आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी। सनम प्लीज आकर गाड़ी में बैठो, तुम जानती हो ना कितने बज रहे, चलो आ जाओ। सच में आऊं? अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी, पर अब कहाँ से खाना मंगाएंगे? मंगवाना क्यों है, नॉर्मल लोगों की तरह हम मजेदार खाना बनाएंगे घर में, नो प्रॉब्लम। क्या कहती हो, प्रॉब्लम नहीं है? हम बनाएंगे। ठीक है, मैं फ्रिज में जाके देखती हूँ क्या सामान है। नहीं रहने दो, हम पहले वाला प्लान करते हैं, कहीं से खाना मंगवा लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है मंगाते हैं। वही तो, क्यों कुकिंग करनी है?
पिज्जा खाया क्या? पिज्जा? इतनी रात को पिज्जा थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा? ठीक है, हा? पास्ता विद सॉस। ओके, पास्ता और पिज्जा दोनों सेम ही है। रात को हैवी खाना डाइजेशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम बहुत नाजुक हो तो मैं आपके जैसी बॉडी तो आयन को भी डाइजेस्ट कर ले। सूप पिए क्या हम? हाँ, क्या कहती हो? इतनी रात को अच्छा रहेगा ना सूप पीना? सिर्फ सूप? हाँ। वो तो आते आते ठंडा हो जाएगा। पास्ता हाँ। प्लीज। पक्का पास्ता चाहिए। सूप कैसा रहेगा? पास्ता। हम इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं? पहले देख तो लेते हैं कि रेस्टोरेंट खुले हैं या नहीं। हम ऐसी फजूल में आर्ग्यू कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं। Closed, ये भी बंद है। मैंने कहा था ना आर्ग्यू करके कोई मतलब नहीं है, सारे रेस्टोरेंट बंद है। एनीवे, मुझे लगता है यहीं से ऑर्डर कर लो, ये बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से हमें अच्छा हेल्थी फूड मिलेगा। ये देखो, ऑर्डर कर लो, मैं कह रहा हूँ। ऑलराइट। अब बताओ ये सैंडविच भला किसी पिज्जा से कम है? जस्ट टेस्ट करके देखो कितना टेस्टी है। मेरा तो पेट भर गया, मजा आ गया। पर अच्छा हुआ तुमने चाय भी बना ली ना, अच्छा क्या? हाँ, मुझे लगा चाय और सैंडविच अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो हाँ, अच्छा हुआ। मैं चाय लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगी? आप सर्व करेंगे मुझे? हाँ, क्यों, प्रॉब्लम है क्या? हाँ, अभी मैं चाय पी भी लेती, पर मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मैं किसी भी मिनट सो सकती हूँ। ओके, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मत पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ तुम सो जाओ। आ जाओ। We are friends that way. Yes, we are friends. Yeah, we are friends. मैं उस intention से नहीं बोल रहा था। Please clarify मत कीजिए, मैं समझ गई। हाँ? मैं वहाँ couch पर जाकर सो जाती हूँ। हाँ, मैं वहाँ सो जाती हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है बेड की। अच्छी कंफर्टेबल जगह है। अरे वाह, यहाँ पिलो भी है। मुझे अच्छी नींद आएगी। सनम यार, तुम बीच बीच में ऐसे क्यों बिहेव करने लगती हो? चलो उठो आओ, यहाँ घर में एक गेस्ट रूम भी है, तुम वहाँ सो जाओ। वहाँ एक बड़ा बेड है, पिलोज हैं, बेडशीट है, मैं तुम्हें नाइट ड्रेस भी दे दूंगा, तुम्हें इसमें सोने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उठो, चलो आ जाओ, उठो ना, आ जाओ चलो। अरे उठोगी अब तुम? प्लीज चलो, आ जाओ। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो। कम ऑन सनम, आओ मैं तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। अपना सामान ले लो, वरना यही भूल जाओगी। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। भुलक्कड़ तो हो तुम, रिलैक्स करो, ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं। ओके, देखते हैं आपके ड्रावर में टी-शर्ट्स हैं या नहीं, क्योंकि आधा टाइम तो आपके टी-शर्ट्स लड़कियों पर ही नजर आते हैं, पर मुझसे बेहतर और कोई नहीं है। मुझसे बेहतर आपके टी-शर्ट किसी पर नजर नहीं आते। नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू, और गॉसिप करो प्लीज। सॉरी, क्या नाम है, सुन सकता हूँ? वैसे यहाँ एक ही टी शर्ट है, यहाँ आने वाली हर लड़की को आप वही टी शर्ट देते हैं। सनम, मुझे ना जलने वाली लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ। मैं जेंटलमैन की तरह तुम्हारे लिए शॉर्ट्स और टी शर्ट्स लेके आया हूँ, तो ये तुम पहन सकती हो। और ये रहा जैकेट, तुम्हें ठंड ना लग जाए उसके लिए जैकेट लेकर आया हूँ। और ये रहा तुम्हारा टूथब्रश, फ्रेश और नया है। थैंक्स। और अगर पिलो कवर तुम्हें ये पसंद ना है तो कबर्ड में दूसरे रखे हैं, वो चेंज कर? नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। ओके, और बाथरूम में टॉवल रखा है, और कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट देन। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स। अच्छे से सोना। ओके, thank you.
हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? थोड़ा और टर्न कीजिए, थोड़ा और। हाँ, तुम चुप रहोगी प्लीज? सनम, तुम खुद से बात कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना, पागल हो गई हो क्या? इतना सोचने से अच्छा है सो जाओ। तुम्हें क्या करना है? हाँ, ऐसे सपने देखना बंद करो जो कभी पूरे नहीं होंगे। उनकी टी शर्ट पहन ली है ना, अब चुपचाप सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर घर चली जाना। तुम चुप रहोगी क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाती। आज मुझे पता चला कि मेरी नींद ना आने का रीजन तुम हो। हाँ गॉड, लैला को मैसेज करूं क्या? नहीं, नहीं कर सकती। अयान को मैसेज करती हूं। ओह, मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो गई है और मैं चार्जर लाना तो भूल ही गई। मिस्टर जान के पास होगा चार्जर, उनसे मांग लेती हूँ। लेकिन इतनी रात को उनके पास कैसे जाऊं? पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जान, 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 अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेजा वो हो रहा है। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? वो मेरे फोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए आपके पास चार्जर मांगने के लिए आ गई थी। हाँ, है। उस ड्रॉर में रखा हुआ है, ढूंढ कर ले लो। मेहमान मैं हूँ या आप? हाँ, वो वाला ले लो। ओके। और कुछ नहीं चाहिए ना? मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आप देंगे नहीं। नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट। कैसे देख रही थी तुम उस बेचारे लड़के को? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। देखा तुमने, अच्छे से देखा। अच्छे से देख? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा है। ओह गॉड, ओह वाह, मुझे चार्जर मिल गया। अब इसका सॉकेट कहाँ चला गया? ओ, प्लग का सॉकेट कहाँ है? काश मैं सॉकेट मांगने भी वहां जा पाती। कहाँ है सॉकेट?
ellerine dünü unut. Sanki kalbimin içinde yüzlerce kuş sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.